एक ही बार यूज करने में आपके आंखों के काले घेरे खत्म हो जाएंगे। डार्क स्पॉट्स होना एक आम बात हो गई है, क्योंकि आजकल हम कंप्यूटर लैपटॉप पर काम करते हैं और ज़्यादा टेंशन्स लेने के कारण आजकल आंखों के नीचे काले घेरे हर व्यक्ति के नज़र आते हैं। डार्क सर्कल से छुटकारा पाने के लिए आप कई तरह के प्रोडक्ट्स पर हजारों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन फिर भी आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि डार्क स्पॉट्स को आप बड़ी आसानी से होम रेमेडी के साथ खत्म कर सकते हैं। तो इसके लिए जान लेते हैं हमें क्या करना होगा। सबसे मेन चीज जो है स्टीम। स्टीम लेना स्किन के लिए काफी तरह से फायदेमंद होता है। स्टीम लेने से स्किन के ब्लॉक हो चुके रोम छिद्र खुल जाते हैं, जो डार्क स्पॉट्स को मिटाने में काफी हेल्प करते हैं। जब स्किन को सांस लेने में आसानी होती है तो डार्क सर्कल समेत पिंपल्स भी खत्म हो जाते हैं। स्टीम लेने के लिए एक बड़े बर्तन या फिर स्टीमर में पानी को बॉयल करें। पानी उबलने के बाद बर्तन को अपने चेहरे के सामने रखें और चेहरा नीचे झुकाएं। स्टीम को ज़्यादा समय तक रोकने के लिए तौलिए का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। इसके बाद साफ कॉटन से आप फेस को साफ कर लीजिए। एक तो इस मेथड से आप स्टीम कर सकते हैं या फिर आप किसी स्टीमर की हेल्प से भी अपने फेस को स्टीम कर सकते हैं। हमारी इस रेमेडी को अप्लाई करने से पहले सबसे पहले आप स्टीम का इस्तेमाल करें। इसके लिए हम तीन चीज़ों का यूज करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है एलोवेरा जेल। आप किसी भी कंपनी का एलोवेरा जेल यूज कर सकते हैं। अगर आपके घर में प्लांट है तो आप उसमें से भी जेल को निकालकर उसका भी यूज कर सकते हैं। आंखों के काले घेरे मिटाने के लिए एलोवेरा जेल काफी हेल्प करता है। एलोवेरा जेल हमारी स्किन को कोमल और चमकदार बनाने में हेल्प करता है। एक तो हम इसमें डालेंगे एलोवेरा जेल, सेकेंड हम इसके लिए लेंगे शहद यानी कि हनी। हनी हमारी स्किन को निखारने का काम करता है। आप एक अच्छी कंपनी का हनी चूज कर सकते हैं। और थर्ड हम इसके लिए लेंगे खीरे का रस यानी कि कुकम्बर। कुकम्बर हमारी स्किन को ठंडा रखने का काम करता है। वैसे तो अगर आप अपने काले घेरों को दूर करना चाहते हैं तो इसके लिए कुकम्बर के पीसेस काट कर अपनी आंखों के ऊपर रखकर कुछ टाइम के लिए ऐसे ही लेटे रहें। लेकिन अगर आप उस रेमेडी को नहीं कर सकते तो उसके लिए आप कुकम्बर का रस निकाल लीजिए। अब हम जान लेते हैं इस रेमेडी के लिए हमें कितने मटेरियल की जरूरत है। इसके लिए एक बाउल के अंदर आधा चम्मच आप एलोवेरा जेल का डाल लीजिए, फिर उसके अंदर आधे से थोड़ा कम हनी और देन उसके अंदर दो चम्मच कुकम्बर यानी कि खीरे का रस डाल लीजिए। इन तीनों चीज़ों को डालकर अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए। अच्छे से मिक्स करने के बाद आप अपने हाथों को अच्छी तरह से धो लीजिए और फिर इसे अपनी उंगलियों की हेल्प से अपने आंखों के आसपास सर्कुलर मोशन में मसाज करें। ऐसा आपको 10 से 15 मिनट तक करना है। आप किसी कॉटन की हेल्प से भी इस रेमेडी को अपने फेस के यानी कि अपनी आंखों के आसपास लगा सकते हैं। 15 मिनट अप्लाई करने के बाद आप किसी भी फेस वॉश की हेल्प से अपने मुंह को ठंडे पानी से धो लीजिए। इससे आपके काले घेरे जल्दी ही रिमूव हो जाएंगे। एक बार करने से ही आपको काफी फर्क नजर आएगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि हमारी इस बताई हुई रेमेडी को आपको रात के टाइम ही करना है, क्योंकि रात के टाइम हमारी स्किन रिलैक्स हो जाती है। और इस रेमेडी को अप्लाई करने के बाद अगर आप सो जाते हैं और सुबह उठकर देखते हैं तो आपको काफी फर्क दिखेगा। तो फ्रेंड्स, आप हमारी इस रेमेडी को जरूर अप्लाई करें और इस रेमेडी को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि वो लोग भी जान सकें काले घेरों को मिटाने के लिए इस छोटी सी रेमेडी के बारे में। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, ताकि हमारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।